नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफल इंसान कौन होता है और असफल इंसान कौन होता है? हम में से ही कई लोग सफल बन जाते हैं और हम में से ही कई लोग असफल बन जाते हैं। आखिर ऐसा अंतर क्यों? कौन बनता है सफल और कौन होता है अपनी जिंदगी के अंदर असफल, इसके बारे में हम कुछ एक जानकारी आपको बताएंगे। और वो जानकारी सुनने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि अगर आप सफल हुए हैं तो उसके पीछे क्या राज है, और अगर आप असफल हुए हैं अपनी जिंदगी के अंदर तो उसके कारण क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सफल इंसान के बारे में। तो सफल इंसान हमेशा नए नए आइडियाज सोचता रहता है, नया करने की सोचता रहता है कि आखिर नया क्या आने वाला है, जिसके कारण वो निरंतर कुछ बदलाव करता रहता है, कुछ नया अचीवमेंट करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और अगर हम बात करते हैं असफल इंसान की, तो असफल इंसान हमेशा अपने घमंड में चूर रहता है। वो एक ही चीज बोलता है कि यार मुझको सब मालूम है, सब जानता हूं, हाँ मैंने करके देख लिया, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही उस चीज को साबित करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी के अंदर असफल होता चला जाता है। और अगर हम बात करते हैं सफल इंसान की, तो सफल इंसान हमेशा अपनी टीम को, अपने साथ वालों को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करते रहते हैं, और साथ ही साथ अगर उनसे किसी प्रकार की कोई गलती होती है, अगर वो फेलियर साबित हो जाता है, तो उसका ब्लेम किसी के ऊपर नहीं करता, जबकि उस फेलियर का कारण पता कर उसको दूर कर दोबारा से प्रयास करने की कोशिश करता है। और असफल इंसान जो होता है, अगर वो फेलियर बन जाता है, अगर वो अपने काम के अंदर फेल हो जाता है, तो उसको वो गलती को दूर नहीं करता, उसका ब्लेम किसी दूसरे के सर के ऊपर मढ़ देता है, जिसके कारण धीरे 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 लोग उसको छोड़ते चले जाते हैं, और वो एक भीड़ के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो इस प्रकार से आप अगर फेलियर हो जाते हो अपनी जिंदगी के अंदर, तो उसका ब्लेम कभी भी किसी के ऊपर मत करिए, उसका कारण पता करिए, और आप उसको दूर कर दोबारा से प्रयास करिए, फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और अगर हम बात करें सफल इंसान की, तो सफल इंसान कभी भी किसी की गलती के ऊपर उसको ब्लेम नहीं करता, बल्कि उनकी कुछ गलतियों को इग्नोर करता है और उनको साथ लेकर आगे बढ़ता रहता है। जबकि असफल इंसान है, अपनी पुरानी बात को ही लेकर पकड़ा रहता है, अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसको भूलने के लिए तैयार नहीं होता, और बिल्कुल उसी चीज को लेकर आपको बार बार उसका शर्मिंदगी महसूस कराता रहता है, जिसके कारण वो भीड़ में अकेला बनता चला जाता है। और अगर हम बात करें सफल इंसान की, तो सफल इंसान हमेशा चाहता है कि लोग उसके साथ आगे बढ़ें, और वो लोगों का हाथ पकड़कर उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो लोग भी उसके बराबर आएं और वो लोग भी उससे ज़्यादा पैसा कमाएं। सफल इंसान का हमेशा यही प्रयास रहता है। और अगर हम बात करते हैं असफल इंसान की, तो असफल इंसान हमेशा यही चाहता है कि उसकी बराबरी कोई ना करे, उसके बराबर कोई आ ना सके, और अपने आइडिया वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। अगर उसने अपने आइडिया किसी के साथ शेयर कर दिया, तो उसको डर रहता है कि कहीं कोई उसके आइडिया को अपना कर कहीं आगे ना निकल जाए, जिसके कारण धीरे धीरे लोग उसको छोड़ते चले जाते हैं, और वो जिंदगी के अंदर अकेला रह जाता है, जिसके कारण उसको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप भी आगे बढ़ें और आपकी टीम भी आगे बढ़ती चली जाए। और अगर हम बात करें सफल इंसान की, तो सफल इंसान हमेशा नए नए आइडियाज सोचता रहता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वो कभी भी रुपये पैसे की बात नहीं करता, वो हमेशा करने में विश्वास करता है कि अगर हम करेंगे तो जिंदगी में रुपया पैसा अपने आप आ जाएगा।
और अगर हम बात करते हैं असफल इंसान की, तो असफल इंसान हमेशा भीड़ इकट्ठी करने में लगा रहता है कि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ज़्यादा ही मेरी वाहवाही होगी, और हमेशा रुपये पैसे की बात करता रहता है, कभी भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करता, कभी भी अपने दिमाग में नई सोच नहीं लाता, जिसके कारण वो हमेशा अकेला रह जाता है। तो ये कुछ ऐसे सफल इंसान और असफल इंसान की जानकारी हमने दी, तो इससे आप भी सीख लीजिए और आप भी डिसाइड कीजिए कि आपको एक सफल इंसान बनना है या फिर आपको अपनी जिंदगी के अंदर असफल इंसान बनना है। अगर हम बात करें एक सफल इंसान की परिभाषा की, अगर हम बात करें एक सक्सेसफुल मैन की, तो सफल इंसान वही है जो कि हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और ऐसा काम करता है जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी कि अगर आप झूठ भी बोलते हो तो झूठ भी ऐसा बोलिए जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।